अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तेजस्वी यादव ने नतीजों के बाद तोड़ी चुप्पी, एनडीए की जीत को लेकर किया बड़ा खुलासा। तेजस्वी यादव के खुलासे के बाद सियासी हलचल तेज। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता का किया धन्यवाद। बिहार की सियासत में जल्द होगा कोई बड़ा धमाका। तेजस्वी यादव ने कई अहम पहलू किए हैं उजागर। तेजस्वी यादव के तेवरों से एनडीए पक्ष में खलबली दिखी। अब सियासी घपलों पर तेजस्वी यादव की होगी पैनी नजर। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही एनडीए जीत गया हो, लेकिन नीतीश कुमार की करारी हार हुई है और इस हार ने साबित कर दिया कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को सिरे से नकार चुकी है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनावी नतीजों के बाद जो हालात दिख रहे हैं, उन हालातों ने साफ कर दिया कि बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। और वहीं तेजस्वी यादव के तेवरों से भी साफ झलक रहा है कि जो नतीजे सामने आए हैं उनसे वो खुश नहीं हैं और वो जल्द कोई न कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। ऐसे में अब देखना ये है कि बिहार की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। वहीं एनडीए की जीत पर चुनाव नतीजों के बाद पहली बार तेजस्वी यादव बोले और तेजस्वी यादव ने कई बड़े खुलासे किए। तेजस्वी यादव ने जहां पोस्टल बैलेट का मामला उठाया, वहीं और भी कई अहम मुद्दों को उजागर किया और साफ कर दिया कि बिहार के चुनावों में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। ऐसा आरजेडी नेताओं का कहना है। बिहार के विपक्षी महागठबंधन का नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए पर छल से विधानसभा चुनाव जीतने का आरोप लगाया। वहीं गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने अपने खराब प्रदर्शन के लिए पार्टी के भीतर आत्मचिंतन की बात कही। तेजस्वी यादव ने पांच दलों के महागठबंधन का नेता चुने जाने के बाद कहा, ये निसंदेह बदलाव का जनादेश था। एनडीए धन बल और छल से जीत गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता ने बदलाव का जनादेश दिया है और जो लोग बदलाव के साथ हैं और इन चीजों को समझेंगे तो हम जरूर अपना फैसला लेंगे और सरकार बनाने की कोशिश भी करेंगे। चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने आश्चर्य जताया कि इस चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कुल मतों का अंतर केवल 12,270 है, लेकिन इतने वोटों में एनडीए ने कैसे 15 सीटें जीती, ये चौंकाने वाला पहलू है। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में की गई, जबकि इनकी गिनती मतगणना की शुरुआत में ही की जाती है। इसके अलावा ऐसी सीटें भी हैं जहां 900 से ज्यादा पोस्टल बैलेट रद्द किए गए, जो बताता है कि हमारे साथ छल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां कम मतों का अंतर था और हमारे उम्मीदवार जीत रहे थे, वहां पोस्टल बैलेट भारी संख्या में रद्द किए गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि साजिश और छल से हासिल की गई चीजों की उम्र ज्यादा नहीं होती और आने वाले वक्त में ये देखने को भी मिलेगा। बस अब जवाब जनता ही देगी और जनता ही तय करेगी कि सत्ता में किसे बैठना है और किसे नहीं। फिलहाल तो जो हालात दिख रहे हैं उन हालातों ने साफ कर दिया है कि बिहार में बदलाव का जनादेश सामने आया है। लेकिन कुछ लोगों ने छल प्रपंच से हारने के बाद भी सरकार में खुद को बादशाह बनाने का काम किया है, जो कि गलत है। लेकिन हम उन्हें फिर भी इस फर्जी सफलता की बधाई देते हैं। अब देखना ये है कि तेजस्वी यादव के तेवर विधानसभा में क्या नया बदलाव दिखाएंगे और बिहार की सियासत की कौन सी तस्वीर पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।